मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धमदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल परम सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहा हूं कि मेरे निकट दादा बैठे हैं, पहचानते हैं आप रब्बू दादा, और यहां पर पूज्य माँ जी बैठी हुई हैं प्रिया गंडा, और यहां पर हमारी बहन प्रीति गंडा बैठी हुई हैं। अब मैंने आपको दो बार बताया गंडा फैमिली है, और आप समझ गए होंगे एस डी गंडा, जिनके नाम से मैंने कई कथाएं आपको सुनाई हैं। तो पूज्य सुखदेव गंडा जी के यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ से मन स्थिति पे यहाँ बड़ी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, आप मन स्थिति से यहाँ बैठ लीजिएगा। और ये कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, मैं आपको साफ साफ बात बता दे रहा हूँ, बस भक्तों के बीच बात हो रही है। तो मेरा लक्ष्य यह है कि महाराज जी की बातें आप जाने। तो आज बात कर रहे हैं पूज्य रविंद्र कुमार जोशी उर्फ अपने रब्बू दादा, बात करेंगे। तो महाराज जी की इन यादों को आप सहेज लीजिए, अब पूछिए आप। आंटी माँ, मैं आपके साथ तो बहुत पुराना मेरा वो है, इलाहाबाद से आपका चक्र शुरू हुआ जब गंडा साहब वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, और वो महाराज के चलते फिरते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पता नहीं कितने लोगों की स्टेट बैंक में नौकरी लगवा दी, चाचा जी ने नौकरी लगवाई, और कैसे कैसे लोगों का कल्याण हुआ। और आपके वहाँ तो महाराज मुझे बात करते सुना है मैंने, तू ठीक है गंडा, तू ठीक है, मैंने इतना प्यार होता था महाराज की आवाज़ में। अब आप बताइए आपके दर्शन कैसे हुए थे। ऐसा है कि एक दिन सैटरडे था शायद, कोई था या जो भी था, तो शाम को ये जो बॉस थे मिस्टर राम रखा, आप जानते हैं, तो ये अब मुझे नहीं पता बैंक से वो राम रखा को किस लिए मिलने जा रहे थे। तो राम रखा के अब मतलब ये गाड़ी अभी अंदर ही गई थी इनकी कि बाबा जी की कार में बैठे हुए थे वहाँ पे। आप पे उन्होंने कहा ओहो तुम अब आयो गंडा, अच्छा कोई नहीं अभी नहीं हम मिलेंगे, फिर तुम मुझे मिलने लखनऊ आना। पता नहीं हम पहला दफ़ा पहली बार ही बाबा जी मिले, कुछ इतने ये खुशी खुशी घर आए कि आज मैं बाबा को मिलूँ, ये है कल संडे है तो मैं लखनऊ ज़रूर जाऊँगा उनको मिलूँगा, जिनके घर रहते हैं उनका नाम भी लिया था। ज्ञान दीदी के पास जी जी। तो मतलब जो था दूसरे दिन सुबह तैयार होके, प्रीति भी थी मैं भी थी, तो लखनऊ मेरे ब्रदर पोस्टिंग थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जी, तो वो तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे कहीं हैदराबाद वगैरह जहाँ, पर उनकी फैमिली वहीं थी, मेरी भाभी वहीं थी। सो वैसे भी वो बैंक हाउस ही था जिसमें, तो इन्होंने मल्होत्रा जी को फ़ोन की कि हम लोग इस टाइम पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा नहीं इस टाइम तो थोड़ा वो हो जाएगा, कल सुबह सुबह तुम लोग जितनी सुबह 5 बजे तक आ सको तो बाबा जी को मिल लेना मेरे पास जी। इन्होंने कहा मुझे, इन्होंने बड़े खुशी होकर बताया, मेरी भाभी को भी बताया कैसे बाबा जी आए हैं कल सुबह दर्शन करने जाएंगे। वो जो कुछ भी है मैंने धर्म से कह रही हूँ, मैं इंटरेस्ट नहीं लिया बिल्कुल ही बाबा जी के बात में, सच बोलो या झूठ बोलो ये मैं नहीं कह सकती। और पहली दफ़ा बाबा जी को देखो और कोई ख़ास बातचीत तो कभी हुई नहीं, ना किसी ने जिक्र किया था उन टाइम तक। पर सुबह 5 बजे इन्होंने कहा चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं जिसको सिर्फ दरबार साहब को मानती हूँ उसी की पूजा पाठ कर रही हूँ वही करती हूँ। तो मैं वैसे भी कभी किसी से नहीं मिली थी जी। मेरी भाभी ने कहा इतनी पूजा पाठ करते थे एक संत महात्मा को मिलने में सिर्फ दर्शन ही कर लो तुम, बात और कुछ ना करना जी। अब इतना जोर रहे हैं तो मैंने अपना कहा चलो फिर चलते हैं, पर मैं बाबा जी को मिलूंगी नहीं बाद में। उन्होंने कहा अच्छा चलो मंसूब रहे, हमें वहाँ गया केवल दर्शन कर लेंगे। नहीं नहीं उनको जाए जो कुछ भी गया, मैं तो जी मतलब हस्बैंड का और उनका कहना मान के गई हूँ, दर्शन का हो या ना कहो जो भी, सच्ची बात जो कह रहा हूँ ठीक है, मैं अपना करके बात को बढ़ाऊँ या कुछ करूँ जो सच है वे। तो थोड़ी देर के लिए मतलब मेरे हस्बैंड भी और भाभी भी, भाभी कहते हैं ना, तो बाबा जी अंदर थे हम लोग फाटक के बाहर ही,
फाटक के मांगे, जैसे यहाँ बाबा जी वगैरह बैठे हैं तो इस दरवाजे बाहर जगह में हम लोगों को खड़ा किया हुआ। तो थोड़ी देर बाद अंदर आ जाओ बाबा जी को, बाबा जी को इन्होंने भी माथा टेका, भाभी ने भी। अच्छा तुम आना नहीं चाहती थी ना? अच्छा मैंने चुप रही, फिर उन्होंने कहा नहीं आना चाहती थी, मैं चुप रही गई। मतलब भाई हस्बैंड से भी बात करते रहे, भाभी से, अच्छा तुम नहीं बात करना चाहती, कोई बात नहीं, परसों सुबह मैं तुम्हारे घर सुबह सुबह आऊँगा मिलने के लिए। मैंने कहा मैं मिलना ही नहीं चाहती तो ये कैसे फिर मिलने आएंगे, ये बड़ी मुश्किल है जी। थोड़ी देर के बाद अच्छा तुम जाओ पर मैं आऊँगा ज़रूर, फिर चली गई। पर संभव को समझ नहीं आए, उसके बाद मैं इतनी खुश हुई, सारा दिन मेरा इतना खुशी खुशी बाबा जी को उसका देख के खुश हो गए कि भी अच्छी मिली हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो कहानी बहुत लंबी होती है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। बाबा जी ने माँ को मम्मी को कहा, जैसे मैं आई हूँ तो जब मम्मी को मैंने, उन्होंने कहा आपके मन में तीन प्रश्न हैं जी, जो तीन प्रश्न हैं मैं आपके घर में आऊंगा और आपको फिर उसका जवाब दूंगा। अच्छा उसी दिन पहले दिन बता दिया, उसी दिन जब मम्मी को मिलना नहीं चाहती थी ना जी, उनसे जी, तब उनने ये उनसे कहा कि तीन प्रश्न हैं और मैं उनका जवाब आपको घर पे दूंगा, घर आके फिर मैं दूंगा जी। आना तुम आना नहीं चाहती थी पर जबरदस्ती ये लोग लाए तो मैं तुम्हें वहाँ प्रश्न जी। पर सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, बाबा जी की याद जा रहा है। दूसरे दिन वापस अपने कानपुर पहुंच गया तो पता नहीं उसी दिन बाबा जी ने कहा या दूसरे दिन के लिए बाबा जी ने कहा मैं इतने आऊँगा सुबह, मतलब जी। तो मैं इंतजार थोड़ी की या जो मैंने कहा बाबा जी ने कह दिया आना होना, उन्होंने है नहीं ऐसे ही अपना है दिया। मैंने अभी सोचा ही नहीं था 5 मिनट के वो अपना आ गया, तुम चाह रहे थे कि ना मैं नहीं आऊँगा। सो इसके बाद वो सीधा पूजा वाले कमरे चले गए, दरबार साहब के कमरे। अच्छा बाबा जी लीड कर रहे थे हाँ। उनको पता नहीं अपने आप ही कमरों से कमरा निकाल निकाल के दरबार साहब के कमरे चले गए और वहाँ जाके बैठ के दरबार साहब के आगे जमा। अच्छा यहीं पूजा करते हैं, किसी अपने लिए उन्होंने कहा किसी बड़ों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा जी, संतों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, आप अपना उनको पूरा आदर दो। सो बाबा जी के साथ बैठ के इतनी खुशी हुई मुझे, जो भी बातें मेरे साथ किया हुआ इतने तरह, बस 15-20 मिनट बात किए तो फिर जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं और लोग भी आज बाबा जी के साथ कई लोग आ जाते हैं ना, मिला लग जाता है। उस टाइम तक सीधा मुझे वहीं पूजा के कमरे ले गए बाबा जी, रास्ता ही आप पे उन्होंने दिखाते गया, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे से। उन्हें पहले से लगता है कि पहले से आए थे लगता नहीं है, अब लगता नहीं है, ये सोचने के टाइम ही नहीं था मेरे को, लगता है कि नहीं। वो गया मैं पीछे पीछे, इतने अच्छा उन्होंने कहा बड़ों के ऊपर संतों पर शक नहीं करना चाहिए जी। बस फिर वो थोड़ी देर बाद वापस गया, वहीं ड्राइंग रूम में सारे बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए, थोड़ा बहुत चाय पानी हुआ, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर ज़रूर मिलूँगा तुम्हें। मैं अब घबरा गया, अरे फिर मिलेंगे सच्ची बात करने में कोई हर्ज नहीं। तो वो तीन प्रश्न बताए कि नहीं बताए, उनके उत्तर दिए कि नहीं, किसी पे शक नहीं करना चाहिए हाँ। ये था ये अच्छा जवाब दिया। अच्छा क्या वो प्रश्न अच्छा पर्सनल थे? अच्छा मतलब तीन प्रश्नों जो बताए थे उनके उत्तर दिए। आपकी जब वहाँ फिर इलाहाबाद में जो मीटिंग हो, आपके घर भी तो आते थे इलाहाबाद में वो? हाँ हाँ, तो अक्सर आते थे वो, और महाराज बहुत प्रिय थे, मैंने महाराज को बहुत ही प्रिय थे करना था। दिल्ली में थे, मेरे फादर को भी अपने चले गए फादर के घर, ना कोई जानते थे ना गए, तो मेरे फादर भी मतलब इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, सच्ची बात जी। माथा टेका बात थोड़ी देर बाद, नहीं ये बड़ा संत है, मेरे फादर को कहने लगे कि भैया पूजा पाठ। मेरे फादर मतलब सिर्फ दरबार साहब को मानते थे, बस इनका वेलकम किया बहुत अच्छे तरीके से। फादर का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या था? जोत सिंह मुंगिया। अच्छा मुंगिया। ऐसे मैं बताऊं कि ज़रूरी नहीं था कि दरबार साहब माने, सब मांगते थे हम लोग तो जी जी, क्योंकि ये ना फादर तो सिख तब बने थे, सरदार तब बने थे,
जब कोई घर में बीमार हो गया था तो किसी ने कहा था अब जो बेटा पैदा होगा उसको सरदार बना देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट भी